कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 9:15 और आज सुबह सुबह सबका नहाना धोना ब्रेकफास्ट सब हो गया है, सारे काम फिनिश हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ मशीन लगानी है कपड़े के लिए। और ब्रेकफास्ट हो गया और लंच भी बन गया, बस थोड़ा बहुत है वो जब इन लोग को करना रहेगा तो मैं बना दूंगी, क्योंकि आज से ऑफिस चालू हो गई है तो पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा, लेजी लेजी जो दोपहर तक काम करते रहती थी, अभी सुबह में सब जल्दी करना है। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, बहुत दिनों बाद पहले जैसा लग रहा है, ये भी बहुत एक्साइटेड है। कल से जब से मेल आया कि ऑफिस चालू हो रही है, जा सकते हैं, तो वो भी बहुत खुश है, क्योंकि घर पे बैठ के सब पक जाते हैं। जब कंटिन्यू ऑफिस चालू रहती है तब ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ी छुट्टी चाहिए, एक दो दिन का रेस्ट चाहिए, लेकिन नहीं, वो जो डेली का रूटीन है ना, आना जाना, वही अच्छा रहता है। तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड है। और कल ही लेके गए थे इतने सारे कपड़े उठा के इस्त्री करने को, देख परसों ले गए थे ना पापा, देखे आए थे और कि शायद अब हो जाए चालू, और चालू ही हो गया। कल रात को मैं लाया शाम में, तो चलिए फिर ये रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए, मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो ये शीशा है। हाँ चलो चलो चलो। सोयाबीन की सब्जी बनी है आज तो मैं और आरुष रह गए हैं, हम भी लंच करने जा रहे हैं। धनुष बनानी है आरुष को, और लेके आती हूँ, इतनी मुश्किल से तो मिलता है यहाँ पे लकड़ी तोड़ के, और उसको ये एक दिन में तोड़ के रख देते हैं, डेली डेली कहाँ से मिलेगा आरुष। चलो लंच कर लेते फिर मिलते थोड़ी देर के बाद, और छोटी सी शॉपिंग करके आई हूँ मैं, तो दिखाती हूँ। चुप बैठो, उस दिन दो तोड़ के वो भी तोड़ दिया ना। देखो आरुष को देख लो, देखो आरुष, आरुष नो नो, बाइक 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 कर लो, मेरे आज पता है, बताया याद है ना, मैथ इंग्लिश और क्या है, हिंदी हिंदी, मंडे और ट्यूजडे। और आरुष को तो सारा ले जाना ना। 3:15 बज गए हैं और थोड़ी देर लेटी थी, बट आरुष इतना टीवी का वॉल्यूम बढ़ा के देखते हैं ना, कि क्या बोलूं, आरुष ने याद दी, कब से बोल रही बंद कर दो, थोड़ी देर बंद कर दो, नहीं मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है, आंखें नहीं दुखती क्या? को छोड़ के आ गई मैं क्लास, तो सोची चलो ये सामान दिखा देती हूँ क्या क्या लेके आई, बहुत ज्यादा नहीं लेके आई, एक्चुअली गई थी कुछ और काम से तो ले ली थोड़ा सा। और ये आवाज आ रही है फैन की, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, इसके लिए मैं एकदम फास्ट करके रखी हूँ। तो ये आरुष की पैंट है एक, और ये घर पे पहनने के लिए, और एक ये मैंने ली रेड कलर की है, प्लाजो टाइप है ऐसा, ऐसा वर्क है इस पे, इस पे भी अच्छा लगेगा। और ये टी शर्ट है ऐसा हाईनेक वाला, अदिति के लिए। अभी ना तो आरुष को पता है कि कुछ आया है, ना तो अदिति को पता है, क्योंकि दोनों को रहा नहीं जाता, मेरे जैसे सेम है, उनको भी अभी आया तो अभी पहनना है, तो कल मैं लेके आई, मैं दिखाई नहीं, मैं बोली पहले दिखाऊंगी, मतलब दी नहीं उन लोग को, मैं बोली पहले दिखाती हूँ आप लोगों को फिर उसके बाद दूंगी। ये टी शर्ट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, इसकी बाजू बहुत लंबी है मुझसे भी बड़ी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा पौना करके पहनते ना, थोड़ा सा ऐसा फोल्ड करके अच्छा लगता है, थोड़ा ऐसे चूड़ी चूड़ी बना रहता है ना यहाँ पे, अच्छा लगता है, वैसा आएगा ये, बस इतना सही है। और दो तीन
इयररिंग्स ली मैं। बहुत पसंद है मुझे इयररिंग्स, इस तरह की बहुत पसंद है, बट उतना पहनती नहीं हूँ। वो बार बार पहनना और निकालना, फिर गोल्ड की पहने रहती हूँ ना, तो मेरी आदत है कि मैं उसको अच्छे से रखती नहीं हूँ, कहीं यहाँ वहाँ पे रख देती हूँ। तो इसके लिए ये 100 और 150 के सामान के लिए गोल्ड रिंग घुमा दूँ, उसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ती है। तो इसके लिए उतना पहन नहीं पाती हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ रख देती हूँ तो ये फिर मुझे बहुत गुस्सा करते हैं। बट पसंद बहुत है ये किए है। बोलते हैं जब संभालना नहीं आता तो निकाला मत करो, जो पहनी हो चुपचाप से पहनी रहो। इसे और एक और है। मुझे तो अच्छी लग रही है, आप लोगों को कैसी लगी बताना। तो बस इतना सही है, ये वाली पहनती हूँ। और ये लोग को छोड़ के आई हूँ, तो मैं भी जा रही हूँ कुछ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे टाइम लग गया। वैसे तो दूर नहीं है, 5 मिनट भी नहीं है चल के जाओ, बट वहाँ पे मेरी फ्रेंड थी एक, वो मिल गई, तो हम बातें करते करते वहाँ पे 15-20 मिनट हो गया, उसके लिए मुझे आने को लेट हुआ। तो अब मैं जा रही हूँ, बना लेती हूँ नाश्ता वो लोग के आने के पहले। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और देखो यहाँ पे ये चना है, मूंग है, मटकी है, भिगा के रखी थी अंकुरित करके, और इसमें एक आलू कट करी हूँ मीडियम साइज का, टमाटर है, उसी की मैं सब्जी बनाऊंगी, और ये नाश्ता भी उसी का बना रही हूँ, हेल्दी होता है काफ़ी। तो मैं पहले इसे ही लेके आती थी मार्केट से खरीद के, बट अब तो घर में सब रखती हूँ, तो भिगा के अंकुरित करके रख देती हूँ। और इसकी सब्जी जैसे नॉर्मल कोई भी ग्रेवी बनती है उसी तरह से भी बनती है, और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अभी लेने जाने का टाइम हो रहा है, तो अभी देखो बारिश स्टार्ट हो गई है, 5:30 बज गए, 15 मिनट और बाकी है, बारिश स्टार्ट हो गई है, बंद हो तो अच्छा है, नहीं तो आरुष छतरी के नीचे से भागते। और नाश्ता भी बन गया और सब्जी भी बन गई है, सरप्राइज बनाना है फुर्सत। बारिश बंद नहीं हुई है, और इतना सारा सामान है मेरे पास, देखो ये वो। अरे नहीं, अरे नहीं है, अरे सुबह के अरे बंदर मंकी आया था। मैं और दीदी ने देखा मंकी 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 पास से गया ना एकदम। तो घर पे आ गई हूँ आधे अरुष को लेके, और यहाँ पे मैं उन लोग को दे रही हूँ चोकोस दूध के साथ में, और चाय रखी हूँ मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा सा भीग गए तो अजीब लग रहा है, तो थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा था, इसके लिए मैं सोची चलो उन लोग को चोकोस दे देती हूँ और चाय भी बना लेती हूँ। और दूध लेके आई थी साथ में ही, तो दूध भी रख दी हूँ गर्म करने के लिए। और यहाँ पे देखिए काम सारा फिनिश कर ली हूँ, किचन वगैरह सब क्लीन हो गया है, कुछ भी नहीं है, सिंक भी पूरा क्लीन है, और दूध तो गर्म कर दी थी, डिनर बना रही थी तभी, तो किचन के सारे काम फिनिश हो गए, तो डिनर हो गया है और सारे काम भी फिनिश हो गए हैं किचन के। और अब मैं ब्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि आधे और उसके बहुत सारे होमवर्क मिले हैं तो कराना है, और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी के काम छूट जाए वो चलेगा, लेकिन बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल एक बार भी खुलने वाला नहीं है,
पिछली बार एक उम्मीद जगी थी कि चलो ठीक है, एक साल खराब गया है पर नेक्स्ट ईयर खुल जाएगा, लेकिन ये बार भी ऐसा ही होने वाला है। कहीं भी मुझे नहीं लगता कहीं भी खुलेगा स्कूल, तो सिर्फ मेरा ही नहीं है, सारे पेरेंट्स का यही हाल है जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ क्लास के भरोसे तो हम नहीं छोड़ सकते। क्लास में एक दो घंटे में कितना करेंगे, सही लोगों के साथ एक दो घंटे बैठूंगी, क्योंकि फिर ब्लॉग भी रहता है तो आधा ध्यान यहाँ रहता है, आधा ध्यान वहाँ रहता है, फिर ना वो काम अच्छे से होता है ना वो काम अच्छे से होता है। इसके लिए मैं बोली चलो किचन का और ब्लॉग का काम फिनिश करती हूँ, फिर इन लोगों को आराम से लेके बैठती हूँ। और दोनों भीगे भी हैं तो थोड़ा ऑयल भी लगाना है हाथ पैर में और सर में भी डालती हूँ दोनों के, नहीं तो फिर पहली बार भीगे हैं तो फिर नुकसान भी करेगा, सर्दी बुखार कुछ भी हो सकता है। तो चलिए फिर ज़्यादा बकबक ना करते हुए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।